यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे ये ट्रेन इतनी धीरे क्यों चल रही है? पता नहीं हम कब पहुंच पाएंगे दिसपुर। दिसपुर जाने वाली ट्रेन में बैठी एक औरत ने कहा। उसकी गोद में छोटी सी बच्ची सोई हुई थी। तभी उसकी हड़बड़ी देखकर एक आदमी मुस्कुराया और बोला, अरे बहन जी, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? ट्रेन तो अपने समय अनुसार ही अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। लगता है आप बहुत जल्दी में है, क्या बात है? अरे भाई साहब, क्या है ना, मुझे लंबा सफर करना पसंद नहीं है। मेरे शरीर में दर्द हो जाता है, इसीलिए जल्दी घर पहुंचना चाहती हूँ। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? जानकी। और आपका? जी, मेरा नाम विष्णु सिन्हा है। मैं भी दिसपुर ही जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। वैसे माफ करिएगा, वो क्या है ना, मुझे सफर में शांति से बैठना पसंद नहीं आता, इसलिए जब भी कहीं जाता हूँ तो अपने साथ जाने वालों के साथ बातें करना शुरू कर देता हूँ। सफर आसान हो जाता है ना? नहीं नहीं, अच्छी आदत है आपकी। वैसे आपका बेटा करता क्या है? वो एक कंपनी में एम्प्लॉई है। 6 महीने पहले ही उसकी नौकरी लगी है। अब वो वहाँ सेटल हो गया है, तो मुझे भी अपने साथ रहने को बुला लिया। बड़े खुशनसीब है आप तो। वैसे भी आजकल के बच्चे सफलता पाने के बाद कहाँ किसी को याद करते हैं। अपने माँ बाप से तो मानो जान ही छुड़ा ली हो उन्होंने। सही कहा आपने, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वैसे आप दिसपुर किसी काम से जा रही है या घर है आपका वहाँ? जी, मेरे बहन का घर है वहाँ। कुछ दिनों के लिए उसके घर रहने के लिए जा रही हूँ। अच्छी बात है, और बताइए अपने बारे में, ये बच्ची कौन है? ये मेरी पोती है, इसका नाम संजना है। मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती है, इसीलिए इसे भी साथ ले जा रही हूँ। फिर वो आगे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक से ट्रेन झटके के साथ रुक गई। विष्णु ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन आसपास उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अरे अब ये ट्रेन क्यों रुक गई? पता नहीं, यहाँ तो कोई स्टेशन भी नहीं है। तभी संजना उठ गई और उसने पूछा, क्या हुआ दादी? पता नहीं बेटा, तू सो जा तू। विष्णु ने देखा कि सामने वाले कोच से एक आदमी नीचे उतरकर आगे गया और करीब 10 मिनट के बाद वापस आया। ये देखकर विष्णु ने उस आदमी को आवाज दी, अरे ओ भाई साहब, जरा सुनिएगा। वो आदमी उनकी खिड़की के पास आया और बोला, हाँ बोलिए, क्या बात है भाई? ये ट्रेन क्यों रुक गई? अरे भैया, वो क्या है ना, इस ट्रेन का इंजन बदला जा रहा है, थोड़ा समय लगेगा निकलने में, आप सो जाओ। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। वो आदमी वापस अपनी सीट पर चला गया। जानकी जी, आप भी आराम कीजिएगा, मुझे भी नींद आ रही है। जानकी ने हाँ कहा और वो दोनों सो गए। करीब 1 घंटे के बाद जानकी की नींद खुली। उसने देखा कोच खाली हो चुकी थी। जानकी को ये देखकर बड़ा ही अजीब लगा। उसने सोचा, ये सब लोग कहाँ गए, ट्रेन तो यही रुकी हुई है कब से। उसने फिर देखा कि विष्णु भी वहाँ नहीं था, पूरे कोच में वो दोनों अकेली ही थी। बाहर की ओर देखा तो बाहर भी कोई नहीं था, संजना उसकी गोद में ही सोई हुई थी। जानकी ने उसको सीट पर सुला दिया, फिर उठकर बाहर की ओर निकल गई। जैसे ही उसने ट्रेन के बाहर कदम रखा, उसे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, बहरामपुर। अरे जहाँ ट्रेन रुकी थी वहाँ कोई स्टेशन नहीं था, फिर ये स्टेशन कहाँ से आ गया? लगता है ट्रेन आगे चल पड़ी हो और यहाँ रुक गई होगी। लेकिन ट्रेन तो इस स्टेशन पर कभी नहीं रुकती, फिर इस बार कैसे रुक गई? क्या सारे लोग यहीं उतर गए? उसने हर तरफ देखा, लेकिन ट्रेन में कोई नहीं था, और ये बात बड़ी अजीब थी। जानकी ने सोचा कि अंदर जाकर बैठना ही सही है, इसलिए वो अंदर चली गई।
लेकिन सीट पर जाते ही उसने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि संजना भी वहां से गायब थी। वो सब जगह आवाज लगाने लगी, संजना संजना कहाँ हो तुम? आवाज लगाते हुए वो एक कोच से दूसरे कोच में भागती रही, लेकिन संजना कहीं नहीं मिली। संजना कहाँ हो तुम? हे भगवान, कहाँ गई ये लड़की? ये सब क्या हो रहा है? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? वो भागती भागती ट्रेन से उतर गई और बाहर संजना को ढूंढने लगी, पर संजना का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उस अंधेरी रात में वो बिल्कुल अकेली थी। न जाने इतने सारे लोग कहाँ गायब हो गए थे। इसके पीछे का राज बहुत ही गहरा था। वो संजना को ढूंढ ही रही थी कि अचानक से उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी, जो कि एक छोटी सी बच्चे की थी। ये सुनकर जानकी ने कहा, अरे ये आवाज, ये संजना तो नहीं है बेटा। संजना संजना कहाँ हो तुम? क्यों अपनी दादी को परेशान कर रही हो बेटा संजना? वो बड़ी परेशान हो गई थी। डर के मारे उसका जी धक धक कर रहा था। तभी उसे उस रोती हुई बच्ची की आवाज ने पुकारा, बचाओ, कोई है, बचाओ, माँ, पापा, दादी, कोई तो बचाओ। जानकी ने जब यह सुना तो संजना को लेकर उसका मन और घबरा गया। वो आवाज ट्रेन के अंदर से आ रही थी। जैसे तैसे करके जानकी ट्रेन पर चढ़ी और अपने सीट पर वापस गई। वो आवाज उसी कोच से आ रही थी। जानकी ने कहा, कौन है यहाँ? दादी, दादी मुझे बचाओ। कोच की आखिरी सीट के नीचे जानकी को किसी की परछाई नजर आ रही थी, जिससे वो घबरा गई। वो प्रार्थना कर रही थी कि काश संजना ही हो, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि अगर वो संजना हुई तो आखिर वो वहां पहुंची कैसे। जानकी धीरे धीरे सीट के पास गई और हिम्मत करके उसने नीचे झाका। सीट के नीचे कोने पर अंधेरे में एक बच्ची बैठी हुई थी। उसने अपने पैर मोड़ रखे थे, अपना चेहरा अपने पैरों में छिपाकर बैठी हुई थी। बाल आगे की ओर आ रहे थे और वो रो रही थी। वो देखने से संजना जैसी ही लग रही थी। संजना तुम हो क्या? उसी वक्त उस लड़की ने रोना बंद किया और फिर जानकी की ओर देखा। वो संजना ही थी। उसने रोते हुए कहा, मुझे बचाओ, मुझे मुझे नहीं मरना, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे बचाओ। जानकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, क्या हुआ बेटा, बाहर आ, कुछ नहीं होगा तुझे, बाहर आ। लेकिन संजना बाहर नहीं आई और ना मैं सर हिलाने लगी। उसने कहा, बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ मुझे। जानकी ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन झटके से उसने उसका हाथ छोड़ दिया, क्योंकि जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने आग में हाथ डाल दिया हो। संजना का हाथ आग की लपटों की तरह ही तप रहा था, मानो कि वो आग में जल रही हो। जानकी के हाथ भी जल गए थे। जानकी अपने हाथ को फूंक रही थी और डर रही थी। बचाओ दादी मुझे, बचाओ। अरे क्या हुआ बेटा तुझे, तू बोल क्यों नहीं रही है, अचानक से क्या हो गया तुझे? तभी उसको किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन में से भागते हुए उसकी ओर बढ़ रहा है। जानकी ने पीछे मुड़के देखा तो उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। जब वो करीब आया तो जानकी ने उसे पहचान लिया। वो विष्णु ही था। वो पसीने से लथपथ था और हाँफ रहा था। कहाँ चले गए थे भाई साहब, और ये सब क्या हो गया? यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है बहन जी, यहाँ से फौरन निकलना होगा हमें, चलिए यहाँ से। लेकिन हुआ क्या? अभी ये सब बताने का समय नहीं है, आप चलिए। ठीक है, लेकिन मैं संजना को साथ लेती हूँ। ये बोलकर वो वापस संजना की ओर देखने लगी। तभी उसने देखा कि संजना तो कहीं जा रही है। उसने उसे आवाज दी, अरे संजना
रही हो बेटा? तुम रुको संजना। संजना बिना कुछ सुने बस आगे ही बढ़ती गई। जानकी उसके पीछे पीछे जाने ही वाली थी, लेकिन विष्णु ने उसे रोक दिया और कहा, नहीं बहन जी, आगे खतरा है, आपको नहीं जाना चाहिए, वो आपकी पोती नहीं है। क्या कहा? वो मेरी पोती है, आपने देखा है ना मेरी पोती को, वो वही तो थी। पता नहीं उसे क्या हो गया, अजीब सा बर्ताव कर रही है। नहीं नहीं, आप नहीं समझोगी, अभी आप बस मेरे साथ चलिए, आपको सब समझा दूंगा। जानकी उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो संजना के पीछे पीछे चली गई। विष्णु भी उसके पीछे पीछे गया। जानकी ने देखा कि संजना ट्रेन में से उतरकर कहीं जा रही है। अंधेरे में उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रही है, और अचानक एक पत्थर से टकरा कर गिर गई। उसके घुटने में बड़ी चोट आई, जिसकी वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उस सुनसान स्टेशन पर पूरी खाली ट्रेन थी और उसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। यह सब बड़ा खौफनाक था। विष्णु भागते हुए जानकी के पास आया और उसने उसे उठाया। संजना कहाँ जा रही है, चलिए उसके पीछे ले चलिए मुझे। अरे बहन जी, आप समझ क्यों नहीं रही है, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, चलिए यहाँ से, वरना हमें भी कुछ भी हो सकता है, वो आपकी संजना नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप, अरे वो संजना ही है। जानकी फिर से संजना के पीछे लड़खड़ाते हुए जाने लगी। संजना कुछ आगे चलते चलते रुक गई जहाँ पर स्टेशन का ऑफिस था। ये देखकर जानकी ने कहा, अरे संजना क्या कर रही हो बेटी, चल यहाँ से, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, चल चलते हैं यहाँ से। संजना फिर से रोने लगी और बोली, पता है यहीं पर वो हादसा हुआ था और सब कुछ एक पल में ही तहस नहस हो गया। ये सब सुनके जानकी हैरान से उसे देख रही थी और उसने पूछा, कौन सा हादसा बेटी? कोई नहीं बचा पाया मैं और मेरा पूरा परिवार चला गया। संजना की ऐसी बातें सुनके जानकी को अब डर लगने लगा था। वो एक कदम पीछे हट गई। उसे भी अब आभास हो गया था कि वो संजना नहीं है। वो कुछ करती इससे पहले ही उसे पीछे से बच्चे की आवाज सुनाई दी। अम्मा, अरे ओ अम्मा, क्या तुमने मेरे बाबा को देखा है? जानकी झट से पीछे मुड़ी, पर पीछे कोई भी नहीं था। जानकी इधर उधर देखने लगी, तभी उसे दोबारा आवाज आई, अम्मा, अरे ओ अम्मा, उधर क्या देख रही हो? अरे बताओ ना, मेरे बाबा को देखा है क्या? जानकी वापस मुड़ी, पर फिर से उसे कोई नहीं दिखा। यहाँ तक कि संजना भी गायब थी। एक बार फिर से वो उस इलाके में अकेली खड़ी थी। तभी उसे जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, और उसी के साथ बहुत ही दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज आई जैसे कुछ लोग चीख चिल्ला रहे हो, कोई रो रहा हो। जानकी ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अरे बंद करो ये सब, चुप हो जाओ, बंद करो। उसके कानों में रोने की आवाज लगातार आ रही थी, जैसे कोई किसी की मौत पर चीख रहा हो। करीब 2 मिनट के बाद जब वो आवाज आनी बंद हो गई, तो जानकी ने अपने कानों से हाथ हटाया और वो ट्रेन की तरफ भागी। भागते हुए रास्ते में उसे विष्णु दिखा, जो किसी चीज को एक टक होकर देखे जा रहा था। जानकी उसके पास गई और बोली, भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, वो सच में संजना नहीं थी, चलिए यहाँ से, चलिए। जानकी की बात विष्णु ने सुनी नहीं, तो जानकी ने दोबारा कहा, भाई साहब क्या हुआ, चलिए ना। विष्णु ने बिना कुछ कहे किसी चीज की ओर इशारा किया, तो जानकी ने उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया।
उसने देखा कि सामने की जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकला हुआ था और वो हिल भी रहा था। विष्णु ने कहा, मैंने कहा था ना, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक जगह है, चलिए यहाँ से। विष्णु और जानकी तुरंत वहां से भागने लगे। जब वो लोग ट्रेन के पास पहुंचे तो उन्होंने ट्रेन की आवाज सुनी। ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत ही धीरे धीरे चल पड़ी थी। ये देखकर विष्णु ने कहा, ट्रेन चालू हो गई है बहन जी, जल्दी चलिए, ये ट्रेन हमको पकड़नी होगी, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। विष्णु ट्रेन में चढ़ गया, मगर जानकी को चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। ट्रेन की स्पीड भी बढ़ने लगी थी, पर किसी तरह विष्णु की मदद से वो ट्रेन में चढ़ गई। लेकिन संजना का क्या, मैं उसके बिना नहीं जा सकती। बहन जी, जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि ट्रेन में बैठे सभी लोग एक एक करके नीचे उतर रहे थे और संजना भी उन्हीं के साथ थी। मैं उठा और उनके पीछे भी गया, लेकिन जब ट्रेन के बाहर कदम रखा तो देखा कि सब लोग न जाने कहाँ गायब हो गए थे। फिर जब वापस आया तो देखा कि आप सीट के नीचे झांकते हुए किसी से बात कर रही थी। वो देखने में संजना जैसे ही थी, लेकिन संजना नहीं थी। ये सुन के जानकी अपना सर पकड़कर रोने लगी। हे भगवान, अचानक ये सब क्या हो गया? संजना कहाँ होगी? अगर उसे कुछ हो गया तो अपने बहू और बेटे को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे भगवान। जानकी को रोता हुआ देखकर विष्णु को बहुत बुरा लगा। वो दोनों चुपचाप अपनी सीट पर बैठे हुए थे, इस आस में कि कहीं ट्रेन रुकेगी और उनको मदद मिल पाएंगी। तभी अचानक से ट्रेन की स्पीड कम हो गई और ट्रेन वापस रुक पड़ी। जानकी ने बाहर देखा और एक बार फिर सहम गई। वो लोग एक बार फिर से उसी जगह पर थे जहां पहले ट्रेन रुकी थी और बाहर बैरामपुर का बोर्ड लगा हुआ था। और जो सबसे डरावना लग रहा था वो ये था, इस बार की बोर्ड के आगे कुछ लोग खड़े हुए थे जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे नीले पड़े हुए थे और आंखें सफेद थी। उनका चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था, किसी की आंखें नहीं थी, किसी की खोपड़ी फटी हुई थी, किसी के हाथ कटे फटे थे, किसी का आधा शरीर ही नहीं था। जानकी और विष्णु की सांसें मानो उन्हें देखकर अटक गई थी। जानकी जोर जोर से चीखने लगी उन्हें देखकर, भूत, भूत, बचाओ! और दूसरी तरफ विष्णु की आंखें डर के मारे जैसे बाहर ही आ गई थी। वो सब लोग जानकी और विष्णु की तरफ ही देख रहे थे। धीरे धीरे वो सब लोग ट्रेन की ओर आगे बढ़ने लगे और जानकी विष्णु ये देखकर डर के मारे कांपने लगे। विष्णु ने कहा, अब क्या करें, वो तो इधर ही आ रहे हैं। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। तभी एक बुढ़िया की आवाज उसे सुनाई दी, बेटा इधर आ जाओ। ये सुन के एक पल के लिए दोनों घबरा गए। उन्हें पीछे वाले कोच से आवाज सुनाई दे रही थी और उन दोनों ने उन प्रेतों को उनकी कोच की ओर आते हुए देखा। दोनों बिना सोचे बस पीछे वाले कोच में भागे। पीछे वाले कोच में जाते ही उन्हें फिर से उस बुढ़िया की आवाज आई, भागो बेटा, भागो जल्दी से, भागो यहाँ से, जल्दी से भागो। जानकी और विष्णु दोनों ही ट्रेन से उतर गए और देखने लगे कि वो आवाज उन्हें कौन दे रहा है, पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। उन्हें उन प्रेतों की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी और वो ट्रेन से दूर भागने लगे। लेकिन भागते हुए फिर से वो दोनों रुक गए। जानकी को सामने संजना दिखाई दी। ओहो संजना, मेरी बेटी, कहाँ गई थी तू? वो उसके पास जाने वाली थी कि विष्णु ने कहा, आप फिर से धोखा खा रही है बहन जी, याद रखिएगा कि संजना नहीं है यहाँ। जानकी ने संजना की ओर देखा। दादी मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, दादी आओ ना मेरे पास। वो रोने लगी।
जानकी उसे देखकर भावुक होने लगी। देखा भाई साहब, मैंने कहा था ना, ये संजना ही है। जानकी उसके पास गई और उसने उसे गले लगा लिया। कहाँ चली गई थी तुम संजना? मैं कितना डर गई थी तेरे लिए, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। मैं बहुत परेशान हूँ, अब परेशान मत कर, मेरे साथ चल। तभी विष्णु ने कहा, भेंजी दूर हटिए, भेंजी दूर हटिए उससे, वो आपकी पोती नहीं है। इस कहानी का अगला पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें खास जरूरत है। प्लीज ध्यान रखिएगा। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए।